गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर एक चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स का, दैट वाज ऑल अबाउट कोरिलेशन, राइट, लीनियर कोरिलेशन। हमने उस लीनियर कोरिलेशन के दो वीडियोस बनाए थे, राइट। पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑल अबाउट स्कैटर डायग्राम, दूसरे वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑल अबाउट कार्ल पियर्सन्स मेथड, दैट इज प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। आज ये उसका ही कंटिन्यूड पार्ट है। तो भाई, अगर आपने वो दोनों नहीं देखे हैं तो फर्स्ट गो देयर, कंप्लीट दैट पर्टिकुलर पार्ट, देन कम ओवर हियर। नो डाउट दिस इज इंडिपेंडेंट, डजंट मैटर मच, बट देन टू फ्लो मेंटेन रखो, ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ऑल अबाउट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, राइट। आज हम जो करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब सबसे पहले सवाल तो यह आएगा, सर ये पढ़ा क्यों रहे हो आप, क्या नीड है? ऑफ कोर्स जानने वाली बात है। कभी कभार क्या होता है, आप बहुत बार ऐसे चीजें ऑब्जर्व करेंगे जहां पे हम एट्रीब्यूट्स को रैंक देने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली कुछ चीजों को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, लाइक ब्यूटी ऑफ अ पर्सन। एक आदमी की सुंदरता को कैसे मेजर करोगे यार, नहीं पॉसिबल है, राइट। एक आदमी की ईमानदारी को कैसे मेजर करोगे आप, नहीं पॉसिबल है, बट हम करते हैं, हम करते हैं। वी पीपल आर वेरी क्रिएटिव, ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्रिएटिव। हम सुंदरता को भी मेजर करते हैं, हम ईमानदारी को भी मेजर करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल दू, फैशन शो चल रहा है, राइट। वहां से एक मॉडल वॉक करते हुए आ रही है रैंक पे, ओके। नाउ देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ बेंचेस ऑफ जज सिटिंग ओवर देयर, राइट। वो अब उस मॉडल को रैंकिंग दे रहे हैं, राइट, मार्क्स दे रहे हैं, भाई एटीट्यूड कैसा है, राइट, लुक्स कैसे हैं, ड्रेसिंग किस तरह से है, मेनी मेनी, देयर आर मेनी मेनी फैक्टर्स व्हिच आर कंसीडर्ड बाय हैविंग अ। अब ये सबके सब एट्रीब्यूट्स है, भाई कैसे इन चीजों को रैंक दे सकते हो, बट हम देते हैं जस्ट बाय कंपेयरिंग, ओके शी इज बेटर, नो नो शी इज नॉट एज बेटर एज हर, राइट। सो हम मार्किंग देते हैं, हम रैंकिंग देते हैं। सो यही होता है रैंक सिस्टम, इसे कहा जाता है रैंक सिस्टम, जहां पे हम एट्रीब्यूट्स को भी रैंक देने की कोशिश करते हैं जिनको शायद मार्क्स देना पॉसिबल नहीं होता, जिनको शायद क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। अब आप पूछोगे सर चलो ये बात तो हम समझ गए, बट इसका क्या रोल है? ऑफ कोर्स इसका रोल है, किसी एक जज को अगर हम बिठाएंगे एक पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए, सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो जज का कभी कभार बायस नेचर, राइट, ही इज पार्शियल कि भाई वो मुझे ब्लैक कलर पसंद है, इसने ब्लैक पहना है, नो आई विल नॉट गिव हर मार्क्स, राइट। सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि किसी जज का कुछ पर्सनल बायस होता हो, इसलिए वो पर्सनल बायस को हटाने के लिए हम एक जज ना बिठाने की जगह तीन चार जज बिठाते हैं कि भैया अगर इसका बायस होगा तो बाकी किसी का नहीं होगा, अच्छा इसका इसमें होगा तो शायद बाकी लोगों का नहीं होगा। तो हम बेंच ऑफ जजेस बिठाते हैं जहां पे तीन चार पांच छह जजेस होते हैं। आप कैसे रैंकिंग दोगे यार, किसी एक जज ने एक मॉडल को फर्स्ट रैंक दिया, बट दूसरे ने उसको सेकंड रैंक दिया, तीसरे ने उसको फिफ्थ दिया, चौथे ने वापस से फर्स्ट दिया, तो आप क्या मेजोरिटी रूल लगाओगे? नहीं पॉसिबल है। या फिर सपोज करो एक ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया, आप उसको कौन सा रैंक दोगे? उसके लिए आपको ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है, ये आपको बहुत काम आता है, ये आपको बताएगा कि किस तरह से हम दो जज के रैंक को कंपेयर कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन से जज का रैंक ज्यादा अच्छा है, कौन से जज का रैंक थोड़ा ज्यादा वेरिएबल रहेगा। तो हमें उसके लिए इस पर्टिकुलर मेथड की स्टडी करनी पड़ेगी, एंड दैट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। अब स्पीयरमैन ने रैंक कोरिलेशन मेथड के द्वारा दो चीजें हमें बताई, राइट, इसने दो चीजें बताई। पहला, हम रैंक कोरिलेशन दो चीजों में निकालेंगे। फर्स्ट वन, जहां पे कोई भी रैंक रिपीट ना हो, राइट, रैंक रिपीट नहीं होना चाहिए, तो एक मेथड होगा। दूसरा, जहां पे रैंक का रिपीटेशन हो रहा है, जहां पे रैंक रिपीट हो रहा है, तो भैया दूसरा मेथड लगाएंगे। सो देयर आर टू मेथड्स, राइट, देयर आर टू, ऑनेस्टली मेथड एक ही है, खाली दो चीजों के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे, एक पर्टिकुलर जगह जहां पे रैंक रिपीट होगा और एक जगह जहां पे रैंक रिपीट नहीं होगा, राइट। मैंने दोनों के लिए आपके लिए इलस्ट्रेशंस रेडी कर रखे हैं, आप खाली फोकस करते रहो। एट द एंड ऑफ वीडियो पीपल विल फील वाओ, 100% आपको लगेगा सर पूरा समझ में आ गया, इट वॉज मैजिकल, राइट। सो जस्ट कीप फोकसिंग ओवर हियर, यहां ध्यान रखते रहो, राइट। सो हम दो मेथड सीखने वाले हैं, मैंने कहा था फॉर्मूला एक ही, करने के तरीके दो रहेंगे, कैसे रहेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो सबसे पहले हम निकालेंगे व्हेन देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ रैंक, कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट किया है, आपका फॉर्मूला बेसिक्स में ये रहने वाला है, दैट इज आर इज इक्वल टू 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, राइट, एन एन स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। ये कब फॉर्मूला काम आएगा? व्हेन देयर इज नो रिपीटेशंस ऑफ रैंक, जब कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ऑनेस्टली अंदर की बात, रैंक रिपीट होता है तो भी यही लगता है विद सर्टेन एडिशन, फॉर्मूला यही है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ओके। आगे बढ़ेंगे, एक मैंने आपके लिए सम क्रिएट कर रखा है इस चीज को थोड़ा अच्छे से एलाबोरेट करने के लिए, राइट।
सो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमें दे रखे वर्कर्स ए से लेके जी तक, वर्कर्स के नाम समझ लो आप, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, ये उन 7 वर्कर्स के नाम हो गए। उनको रैंक दिया गया है 2 चीजों के हिसाब से। सपोज करते हैं पहले जो मैनेजर ने रैंक दिया था उनको ऑनेस्टी के हिसाब से, और दूसरे बंदे ने उनको रैंक दिया था पंक्चुअलिटी के हिसाब से, राइट। सो उनको 2 तरीके से रैंक दिए हुए हैं कि भैया कौन ऑनेस्ट भी है कौन पंक्चुअल भी है, हमने उनके बेसिस पे उनको रैंक दिया है। तो चेक करते हैं ये रैंक कितने अच्छे हैं, ये रैंक का डेविएशन कितना है, कितना नहीं, दोनों में कितना अच्छा रिलेशन बैठा हुआ है, वो हम निकालेंगे। चलो हम सबसे पहले रैंक 1 को बोलते हैं हमेशा से, आपको किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हो। हम रैंक 1 को बोलेंगे आर एक्स और हम रैंक 2 को बोलेंगे आर वाई, ठीक है। एक को हम बोलेंगे आर एक्स, एक को हम बोलेंगे आर वाई। आपके फॉर्मूले में आपको चाहिए डी, डी का मतलब होता है डिफरेंस, आपको निकालना पड़ेगा डेविएशन, दैट इज आर एक्स माइनस आर वाई। आपको आर एक्स में से आर वाई माइनस करना है। देखो ऑनेस्टली यहाँ पे माइनस का सिंबल अगर आपका नहीं लगेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमें चाहिए डी स्क्वायर, राइट। स्क्वायर में तो माइनस वैसे भी हटी जाना है, सो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट देन टू एग्जामिनर अगर देखेगा तो शायद उसको लगेगा आपने गलती की और वो मार्क्स डेक कर सकता है, इसलिए माइनस के सिंबल पे भी ध्यान रखना, जहां माइनस हो वहीं लगाना। जैसे कि 6 - 7 तो यहाँ आंसर आएगा -1, तो यहाँ -1 लगाना। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपके फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो -1 हो के सिर्फ 1 हो, बट एग्जामिनर शायद बुरा मान जाए, राइट। दूसरे में आएगा +1, तीसरे में 0, देन 2, देन -1, देन +1 एंड देन -2, राइट। चेक कर रहे हैं एक तरीका, हमेशा आर एक्स माइनस आर वाई 0 ही होता है, बट यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिग्मा डी निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें डी स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर 1 1 0 4 1 1 4, राइट। आप प्लस करने जाओगे तो इट वुड बी नियर अबाउट 12, तो हमने इसको प्लस कर दिया 12। हमारा फॉर्मूला हमें याद है दैट आर इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, ओके। जहां पे 1 इट्स अ कॉन्स्टेंट नंबर, -6 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, सिग्मा डी स्क्वायर हमने निकाला इट्स 12 एंड एन हमने निकाला 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 7 स्क्वायर माइनस 1। आपको सॉल्व करना है, इसको आना चाहिए, इट वुड बी लाइक दिस, 1 - 12 6 72, नीचे आ जाएगा 7 49 - 1, ओके। अगेन वी आर सॉल्विंग इट, सो 1 - 72 और नीचे आ जाएगा 3 3 6। इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे, आपका फाइनल आंसर 0.79 लगभग आने वाला है। यू हैव कैलकुलेटर्स, नहीं हो तो यू नीड टू कैलकुलेट, डिवाइड करना बहुत इजी आपको आता होगा। आपका फाइनल आंसर रहने वाला है 0.79, राइट। तो मैंने आपको बताया सबसे सिंपल सबसे बेसिक मेथड, ये सबसे बेसिक एग्जाम में इतना इजी तो नहीं आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, थोड़ा तो लेवल बढ़ना चाहिए, राइट। तो ये आपका बेसिक वन रहेगा रैंक कोरिलेशन का। अब इसमें कभी कभार क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको रैंक डायरेक्टली दे दिया है, राइट, आपको डायरेक्टली रैंक मेंशन कर दिया है कि भैया आर एक्स ये है आर वाई ये है। कभी कभार क्वेश्चन में भैया रैंक डायरेक्टली देंगे नहीं आपको, आपको रैंक भी देना पड़ेगा। तो रैंक देने में तो हम एक्सपर्ट है यार, बड़ा सिंपल है, हमको रैंक देना बहुत अच्छे से आता है। सबसे हाईएस्ट होगा तो फर्स्ट रैंक, उसके बाद वाला सेकंड रैंक, उसके बाद वाला थर्ड रैंक, वी नो हाउ टू गिव रैंक्स, राइट। तो अगर कभी एग्जाम में आपको आर एक्स दैट इज रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई दिया नहीं हो तो आपको उसको रैंक देना पड़ेगा, राइट, आपको उसको रैंक देना पड़ेगा और वो रैंक देना आपको आना चाहिए। सो अब हम आते हैं सेकेंड मेथड पे। मैंने कहा था इस पर्टिकुलर मेथड में आपको रैंकिंग दिया नहीं है, आपको रैंकिंग देना पड़ेगा, एंड रैंक देना बड़ा सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है मार्क्स 2 सब्जेक्ट्स के, स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स के, राइट। स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स 78 से 62 तक है, 84 से लेके 55 तक अकाउंट्स के मार्क्स है। रैंक देना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला स्टैट स्टार्ट करते हैं। भैया बताओ स्टैट्स में सबसे ज्यादा किसके, 98 out of 100 सबसे ज्यादा इसके, इसको मैंने फर्स्ट रैंक दिया। सेकेंड किसके, 90 सेकेंड रैंक। थर्ड किसके हैं, 82 थर्ड रैंक। फोर्थ इज 78, फिफ्थ इज 75, सिक्स्थ इज 62, सेवेंथ इज 36 एंड एट्थ इज 25। इसमें गलती कर दोगे पूरे सब में कांड हो जाएगा, प्लीज इसमें गलती मत करना, 2 बार चेक कर लेना, होता है बहुत बार नंबर पास पास के तो मिस्टेक्स होने के चांसेस है, राइट। वैसे मैं रैंक देता हूँ वाई का, सो वाई के रैंकिंग में सबसे बड़ा आएगा 91 फर्स्ट रैंक, देन 86 सेकेंड रैंक, 84 थर्ड रैंक, 68 फोर्थ रैंक, 60 फिफ्थ रैंक, सॉरी 60 नहीं आएगा फिफ्थ रैंक, 60 से पहले एक नंबर और आया हुआ है 62, दैट इज फिफ्थ रैंक, देन सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ रैंक 55 एंड एट्थ रैंक इज 51, राइट। मैंने कहा था
जब भी नंबर्स पास पास होते देयर आर चांसेस दैट वी पीपल कैन क्रिएट मिस्टेक. सो एक बार वापस से प्लीज वेरीफाई कर लेना सबको आगे बढ़ाने से पहले. डू वेरीफाई इट राइट. ओके अब मेरे पास आर एक्स है आर वाई है राइट. मैंने कहा था हर बार नहीं देंगे तो हमें निकालना पड़ेगा. इट्स अ वेरी सिंपल वन. हाँ कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दो बच्चों के मार्क्स सेम है, उसमें क्या करेंगे उसके लिए आगे देखेंगे. फिलहाल वेट करो सिंपल वाला समझते हैं. हमें आर एक्स दे रखा है, हमें आर वाई दे रखा है. यहाँ पे कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि किसी भी बच्चे के मार्क्स रिपीटेड नहीं है. एक्चुअल लाइफ में होते हैं बट मैं सिखाऊंगा आपको. चलिए वापस से डी निकालेंगे. डी का फॉर्मूला होता है आर एक्स माइनस आर वाई. रैंक ऑफ एक्स 4 माइनस 3 इट्स 1, 7 माइनस 8 इट्स अगेन माइनस 1, देन 0, देन 2, देन 1, माइनस 2, 0 एंड माइनस 1. ओके अब मैं इसको करूंगा डी स्क्वायर. 1 का 1, 1, 0, 4, 1, 4, 0, 1. और यहां जो मुझे मिलता है वो उसका टोटल हो जाएगा, दैट इज अगेन 12 राइट. एंड दिस इज सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर, इसलिए इसको सिग्मा डी स्क्वायर कहा जाता है. इसको क्या कहा जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर. दिस इज सिग्मा डी स्क्वायर. ओके वही बच्चों वाला फॉर्मूला जो हमने पहले सीखा था, दैट इज आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1. अगेन 1 इज कॉन्स्टेंट रहने दो, 6 इज कॉन्स्टेंट रहने दो. सिग्मा डी स्क्वायर हमारा 12 आया था, एन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 एंड 8 स्क्वायर माइनस 1. अब आपको इसको सॉल्व करना आता है राइट. कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा 0.86. डोंट वेट फॉर मी टू सॉल्व, इट्स वेरी इजी वन राइट. आपको आना चाहिए इतना. सो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है 0.86. सर मैंने आपको बेसिक तो सब सिखा दिया, अब एडवांस लेवल पे चलते हैं. एडवांस लेवल पे मतलब सर जब रैंक रिपीट होगा तो कैसे करेंगे, मतलब किसी बच्चे के मार्क्स सेम आएंगे तो हम क्या करेंगे. सो देयर इज समथिंग न्यू इन दैट राइट. अगर किसी बच्चे के मार्क्स सेम आ रहे हैं मतलब व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल और व्हेन देयर इज अ टाई इन रैंक, सो देयर इज अ न्यू टर्म, देयर इज अ न्यू टर्म एंड दैट टर्म इज नोन एज करेक्शन फैक्टर. हम वहां पे एक नई चीज ऐड करेंगे अपने फॉर्मूले में, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, उसे कहा जाता है करेक्शन फैक्टर. अब इसके आगे मैं इसको सी एफ बोलने वाला हूं. सी एफ, डोंट गेट कंफ्यूज, 11th में सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था. इस चैप्टर में मैं करेक्शन फैक्टर को सी एफ बोलने वाला हूं. मतलब अगर मैंने फॉर्मूले में कहीं पे भी सी एफ लिखा तो उसे कहा जाएगा करेक्शन फैक्टर. क्या कहा जाएगा उसे, करेक्शन फैक्टर. तो ये करेक्शन फैक्टर कब यूज करना है पहले वो चीज समझ लो. ये करेक्शन फैक्टर हम तभी यूज करेंगे जब कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा हो. किसी दो बच्चे को सेम मार्क्स मिल गए, भैया इसके भी 100 में से 75, इसके भी 75, दोनों के जब सेम मार्क्स है तो किसको कौन सा रैंक दे. इसको फिफ्थ दे कि इसको सिक्स देंगे तो भैया इसको बुरा लगेगा, इसको फिफ्थ दे कि इसको सिक्स देंगे तो इसको बुरा लगेगा. तो क्या करना चाहिए उसके लिए हमने फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस किए हैं एंड उसे कहा जाएगा करेक्शन फैक्टर. मतलब आपका वैसे फॉर्मूला सेम रहेगा, आप फॉर्मूले में थोड़ा सा एडिशन करेंगे. मतलब ऐसा आपका फॉर्मूला रहेगा आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1. फॉर्मूला यही है, खाली यहाँ पे आपको करेक्शन फैक्टर को ऐड करना पड़ेगा. खाली इस पर्टिकुलर जगह पे आपको करेक्शन फैक्टर को डालना पड़ेगा. मतलब अब आपको 6 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है इंक्लूडिंग करेक्शन फैक्टर. आपको 6 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है इंक्लूडिंग करेक्शन फैक्टर. अभी करेक्शन फैक्टर कैसे निकालेंगे, मैं हूं ना, डोंट वरी. फॉर्मूला याद रहेगा आपको, दैट आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 बड़े ब्रैकेट्स में 6, बाद में ब्रैकेट दोनों के लिए होगा, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर ब्रैकेट क्लोज और अपॉन नीचे सेम टू सेम रहेगा एन, एन स्क्वायर माइनस 1. कुछ कुछ स्कूल्स क्रिएटिव बनती है और इस चीज को वो लोग एन क्यूब माइनस एन लिखवाते. सर कोई बात नहीं, क्यों कंफ्यूज हो, बात वही, एन कॉमन निकाल लो, यही आने वाला है. सो टेंशन मत लो, आप सही चीज सीख रहे हो, सही बंदे से सीख रहे हो राइट. सो डोंट वरी. सो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला था करेक्शन फैक्टर्स के साथ में, एक सब बनता है इसका भी, मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है. एक सम टेबल पूरी बना रखी है, अंदर से फिगर्स भर लिए, ध्यान देते हैं टेबल पे. क्वेश्चन में मैंने दो पर्टिकुलर कॉलम्स रखे हैं, पहला हो गया इकोनॉमिक्स का, दूसरा हो गया डांस का. मतलब हम कंपेयर करना चाहते हैं कौन बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा और एक्टिविटी में भी अच्छा है. हमने मार्क्स दे रखे हैं उनका, पहले आर एक्स देते हैं. रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई हमें आता है. सबसे फर्स्ट रैंक 60, सेकेंड रैंक 50, थर्ड रैंक 40. अब मजे की बात आएगी, ध्यान देना आप, ध्यान देना. फोर्थ रैंक के लिए 30 भी है. अब इस 30 को फोर्थ दे या इस 30 को फोर्थ दे या इस 30 को फोर्थ दे, क्या करें भैया. तीन जनों के 30 मार्क आए हैं, 4 5 6 ऐसे दूं या नीचे से 4 5 6 ऐसे दूं,
नहीं, नॉट पॉसिबल, मैं एक को 4, दूसरे को 5, तीसरे को 6 नहीं दे सकता अगर तीनों के मार्क्स सेम हो तो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम तीनों को एवरेज रैंक दे देते हैं। मतलब तीनों का रैंक कौन सा आ रहा है, 4 + 5 + 6 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, मतलब सबको एवरेज रैंक दिया जाएगा 5, ना कम ना ज्यादा, भाई सबको 5 दे दो। इसको भी हमने 5th रैंक दिया, इसको भी हमने 5th रैंक दिया, इसको भी हमने 5th रैंक दिया, राइट। तीनों को 5th दिया बट रैंक तीनों चले गए, 4 भी गया, 5 भी गया, 6 भी गया। नेक्स्ट सीधा 7th रैंक अलॉट होगा, 7th रैंक दिया जा रहा है 20 को और 8th रैंक दिया जा रहा है 10 को। तो इस तरह से मेरा रैंक हो जाता है 1, 5, 8, 7, 5, 2, 5, 3। ओके, अब मैं बात करता हूं रैंक ऑफ वाई, दैट इज ऑफ डांस। चालू करेंगे डांस के लिए। फर्स्ट रैंक एज यूजुअल 80 को, क्या बात है, जो बच्चा इकोनॉमिक्स में भी होशियार है वो डांस में भी अच्छा है, राइट, सीधा पता चल रहा है आपको। सेकेंड रैंक जाएगा 60 को, थर्ड रैंक जाएगा 40 को, फोर्थ रैंक जाने वाला है 28 को। अब फिफ्थ रैंक में हमारे पास दो आ गए, एक आ गया 20 यहां पे और एक आ गया 20 यहां पे, दिख रहा है आपको। फोर्थ रैंक पे हमारे पास दो कैंडिडेट्स आ गए हैं, पहला भी 20 है, दूसरा भी 20, मतलब फिफ्थ और सिक्स दो रैंक बढ़ रहे हैं। मैंने कहा था दोनों को, किसी को फिफ्थ किसी को सिक्स देके नाराज नहीं कर सकते, एवरेज कर दो। तो हम कर देंगे वापस से 5 + 6 / 2, मतलब 5.5, हम दोनों बच्चों को 5.5 रैंक दे देंगे, राइट। आई नो दिस इज ऑनेस्टली नॉट अ रैंक, बट सम के लिए हम करते हैं, राइट। तो इसको भी मैं दूंगा 5.5, इसको भी मैं दूंगा 5.5, बट 5 और 6 दोनों रैंक चले गए हैं, तो इसको मिलेगा 7th रैंक और इसको मिलेगा 8th रैंक। ओके, आई अंडरस्टैंड द फैक्ट, आपके मन में ये आ रहा होगा, सर 5.5 5.5 रैंक किसको मिलता है, स्टैटिकल पर्पस के लिए हम लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलता है, राइट। बट 5th और 6th एक ही पर्सन ओन कर रहा है, एवरेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 3 हो तो डिवाइड बाई 3, 4 हो तो डिवाइड बाई 4, 2 हो तो डिवाइड बाई 2, राइट। वापस से कंटिन्यू करेंगे, हमें निकालना है डी, डी मतलब होता है RX - RY, सो फर्स्ट में 0, -0.5, 6, 4, -3, -2, -0.5 एंड -4, हमें मिल गया रैंक डी, दैट इज 0.5, 6, 4, -3, -2, 0.5 एंड -4। अब हमें चालू करना है उनके स्क्वायर निकालने के लिए, सो हम निकालने वाले हैं डी स्क्वायर, दैट इज 0, 0.25, 36, 16, 9, 4, 0.25 एंड 16। ओके, इसका जब आप टोटल करोगे आपको मिलने वाला है 81.5, इसका टोटल में आपको मिलने वाला है 81.5। चलो, ये तो अभी तक हमने जो सीखा था वो हो गया, हमें सीधा का सीधा यहां वैल्यू मिल गई है सिग्मा डी स्क्वायर की। बट करेक्शन फैक्टर का क्या, करेक्शन फैक्टर के लिए आपको एग्जाम में एक एडिशनल टेबल बनानी पड़ेगी। आपको पहले बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो पहले ऑब्जर्वेशन 30 है, ऑब्जर्वेशन 30 रिपीट हो रहा है 3 बार। दूसरा ऑब्जर्वेशन 20 है, ऑब्जर्वेशन 20 रिपीट हो रहा है 2 बार। तो मैं लिख दूंगा 30 रिपीट हुआ 3 बार, 20 रिपीट हुआ 2 बार। ओके, अब आपको एक एडिशनल फॉर्मूला लगाना पड़ता है, दैट इज m³ - m/12। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, वेयर m means number of times that observation is repeated. मतलब फर्स्ट केस में हो जाएगा 3³ - 3/12 which goes to 2, and second केस में हो जाएगा 2³ - 2/12 which goes to 0.5, the total is 2.5. पता चला मैंने क्या किया, आपको m³ - m/12 लगाना है, जहां पे m मतलब होता है number of times that particular observation is repeated. 30 रिपीट हुआ 3 बार, तो मेरा पहले में m हो गया 3, 3³ - 3/12 आपको करना है, आपका आंसर आएगा 2। सेकेंड केस में 20 रिपीट हो रहा है 2 बार, 2³ - 2/12, राइट। सो m मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। ओके, दोनों को प्लस किया, मेरा आंसर आ गया 2.5। फॉर्मूला लगाएंगे, सो r इज इक्वल टू 1 - 6 इन द ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर अपॉन n n स्क्वायर माइनस 1, जहां पे 1 1 रहेगा, 6 6 रहेगा। सिग्मा डी स्क्वायर हमने निकाला है 81.5, करेक्शन फैक्टर हमने निकाला है दैट इज 2.5, एन हमें पता है 3 3 6 7 8, दैट इज 8, एंड 8² - 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा लास्टली 0, आपका आंसर आएगा 0। सॉल्व करना आराम से बैठ के, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो आराम से, देखो बिंदास, आपका आंसर आने वाला है 0। मींस दिस पर्टिकुलर थिंग हैव नो रिलेशन। एक बच्चा इकोनॉमिक्स में होशियार होगा तो वो डांसिंग में भी होशियार होगा,
कोई रिलेशन नहीं है, इन चीजों में कोई भी तरह का रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आया जीरो, परफेक्ट जीरो। याद रहेगा आपको, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे आपको यहाँ पे दो टेबल बनानी पड़ेगी। पहली टेबल आप जो बनाने वाले हो दैट इज ऑल अबाउट बेसिक वन जो हम करते हैं, बट दूसरी टेबल जो इंपॉर्टेंट है वो है करेक्शन फैक्टर की। टेबल को हेडिंग दे दो करेक्शन फैक्टर, तीन कॉलम बना लो, पहले में भैया कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, दूसरे में कितनी बार हो रहा है, तीसरे में फॉर्मूला एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12। वहां पे जितने नंबर उतने नंबर आएंगे, अगर दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं दो लिखो, तीन हो रहे तीन लिखो, चार हो रहे चार लिखो, एक हो रहा हो तो एक लिखो। करेक्शन फैक्टर आपको टोटल करके डालना है, पूरा क्वेश्चन सेम, खाली करेक्शन फैक्टर को एड कर दो, बाकी कुछ भी नया होने वाला नहीं है। याद रहेगा सबको, दिस इज द वेरी 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 सिंपल थिंग। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आपका वर्चुअली चैप्टर खत्म हो गया है, आपने लीनियर कोरिलेशन का पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। एंड यस, यू मस्ट फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ अगर सच में आप मेरे साथ साथ अपना चैप्टर फिनिश कर रहे हैं तो, राइट। इसके साथ हमने हमारा एक चैप्टर और फिनिश किया। अगला वीडियो मेरा होने वाला अबाउट लीनियर रिग्रेशन, और मैं एक अच्छा सा सजेशन दूंगा आपको, सर अगर आप लीनियर कोरिलेशन पढ़ रहे हो तो लीनियर रिग्रेशन को फटाफट साथ में पढ़ो, बिकॉज बोथ दीज चैप्टर्स हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन, इन दोनों चैप्टर में बहुत सारी चीजें कॉमन है, तो एक पढ़ो साथ साथ में दूसरा भी पढ़ो, उसको अलग चैप्टर ना मान के कंबाइंड स्टडी में करने की कोशिश करो, एक कंटिन्यूटी में करने की कोशिश करो, आपको बड़ा मजा आएगा लीनियर रिग्रेशन पढ़ने में, राइट इनफ। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो प्लीज जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में जाके, ओके। और क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी तरफ से और वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा अबाउट लीनियर रिग्रेशन, तब तक के लिए बाय बाय।